हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशन हिंदी टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए एक न्यू वीडियो लेके। देख सकते हैं आज हम लोग के पास आ चुका है ओप्पो का न्यू लॉन्च मोबाइल जो कि ओप्पो रेनो 85G। देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा कैमरा का सेटअप हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज हम इसका जो कैमरा का फीचर्स है सारा फीचर्स एकदम डिटेल्स में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा फीचर्स अच्छा हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रशनजीत और आप देख रहे हैं प्रशन हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये है ओप्पो का न्यू लॉन्च मोबाइल जो कि ओप्पो रेनो 85G जो कि आपका 30,000 के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आज देख सकते हैं इसका जो हम लोग का कैमरा है बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। आज हम लोग देखेंगे इसका कैमरा सेटअप कितना अच्छा मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिलता है और क्या क्या अच्छा क्वालिटी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग कितना कैमरा मिलता है। तो बैक साइड में हम लोग ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसका मेन कैमरा हम लोग को देखने को मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का मिलता है हम लोग को माइक्रोस्कोप कैमरा और 2 मेगापिक्सल हम लोग को देखने को मिल जाता है जो कि एक डेप्थ लेंस। और अगर सेल्फी के बारे में बात करें तो इसका जो सेल्फी है हम लोग 32 मेगापिक्सल का एक मिडिल पंचोल में एक सेल्फी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा आपको फोटो आपको देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे इसका कैमरा में। कैमरा ऑप्शन में आ जाने के बाद स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे क्या क्या फीचर्स है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग को देखने को मिल जाता है कि नाइट मोड का फीचर्स है जो कि हर फोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसका नाइट मोड का क्वालिटी आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका सेकंड ऑप्शन है जो वीडियो ऑप्शन। तो देख सकते हैं इसका हम लोग को वीडियो ऑप्शन में आप अगर वीडियो में अगर आपका सबसे पहले जूमिंग के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को जूमिंग जो मिलता है वीडियो में मैक्सिमम 6x तक आप वीडियो में जूमिंग कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा आपको जूमिंग क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसका फोन में कितना रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है 1080 रेजोल्यूशन में आपको वीडियो उठाने का इसमें परमिशन मिलता है। उसके बाद इसके नीचे आपको मिल जाएगा 720 पिक्सल में भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है इसमें कोई आपका FPS का कोई मतलब देखने शो नहीं हो रहा कितना FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे उसके बारे में कुछ मेंशन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। पूरा मोबाइल हम देख चुके हैं पूरा यूज करके उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का कोई भी FPS यहाँ पर मेंशन किया हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था आपको बैक कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोटो में। तो देख सकते हैं इसका जो फोटो में ऑप्शन है आपको सबसे पहले AI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर फोटो में जूमिंग का ऑप्शन बोले तो जूमिंग भी आप इसमें मैक्सिमम 6x तक जूम कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। 6x तक आप मैक्सिमम जूम इसमें कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पोर्ट्रेट। तो देख सकते हैं पोर्ट्रेट में जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट हम लोग का जो ऑप्शन है ये बेसिकली जो बोके इफेक्ट करता है वो इफेक्ट आपको काम करने को देखने को मिल जाएगा इस पोर्ट्रेट ऑप्शन में। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मोर ऑप्शन में। तो देख सकते हैं मोर ऑप्शन में भी बहुत सारा ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रो। प्रो में चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं प्रो ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा है। इसमें आपको जो ISO लेवल है या फिर शटर स्पीड है आप मैनुअली आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये है आपका प्रो मोड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे मोर में। देख सकते हैं मोर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का आ जाता है एक्स्ट्रा HD। यहाँ पर जो हम लोग का 108 मेगापिक्सल है अब अगर एक्स्ट्रा HD में ऑप्शन में आप अगर फोटो उठाते हैं तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फिर से मोर ऑप्शन में। देख सकते हैं पैनोरामा, उसके बाद हम लोग को पैनोरामा ऑप्शन मिलता है। पैनोरामा आपको सभी को जानता होगा पैनोरामा क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग को स्लो मोशन का वीडियो में इसमें हम लोग उठा सकते हैं, टाइमलेस वीडियो भी हम लोग उसमें उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है डुअल वीडियो मोड। तो देख सकते हैं डुअल वीडियो मोड क्या होता है। तो देख सकते हैं बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों कैमरा एक साथ ही काम करेगा, ये होता है आपको डुअल वीडियो मोड। डुअल वीडियो मोड में बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा आपको, आप कैमरा में कैमरा को जो सेकंड कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा किस पोजीशन में रखना है आपको वो आप यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसका बाकी ऑप्शन में, फिर से हम लोग मोर में जाएंगे। देख सकते हैं बाकी हम लोग का जो ऑप्शन है इस मोबाइल में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो 2 मेगापिक्सल जो कैमरा है ये माइक्रोस्कोप आपको कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली कैसा काम करता है देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का जो फोटो है माइक्रोस्कोप। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको एकदम मैक्रो शॉट जो होता है उससे भी बहुत ही अच्छा शॉट ये ला के देगा। देख सकते हैं यहाँ पर
आपका यहाँ पर क्वालिटी कैसे दिख रहा है। ये आपको माइक्रोस्कोप कैमरा, ये आपको बेसिकली कोई भी फोन में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको डेडिकेटेड कैमरा दिया हुआ है माइक्रोस्कोप कैमरे के लिए। देख सकते कुछ इस टाइप का आप माइक्रोस्कोप फोटो भी उठा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और क्या ऑप्शन है, उसमें जाएंगे, मोर में फिर से जाएंगे। उसके बाद हम लोग को स्टिकर मिल जाता है और टेक्स्ट स्कैनर मिलता है। टेक्स्ट स्कैनर बेसिकली काम करता है, अगर कोई टेक्स्ट का फोटो उठाता है तो ये टेक्स्ट पूरा कॉपी कर लेता है, ये है आपका टेक्स्ट स्कैनर। अब हम लोग बात करेंगे इसका फ्रंट कैमरा, तो चलिए फ्रंट कैमरा में आ जाते हैं हम लोग। फ्रंट कैमरा में आपको बेसिकली नाइट मोड देखने को मिलेगा, वीडियो मोड, वीडियो मोड में अगर बात करें तो वीडियो मोड जो आपका है यहाँ पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है 1080 पिक्सल में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस मोबाइल से। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि है 720p, इसमें भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें भी एक बात है, इसमें आपको कोई भी FPS का मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसका जो फोटो मोड है, फोटो मोड में भी आपका ऑप्शन मिलेगा HDR में, ऑटो जो HDR है HDR में भी आप फोटो उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट बेसिकली ये भी काम करता है हम लोगों का जो बोके इफेक्ट है उसका काम करता है। फिर से मोर ऑप्शन में जाएंगे तो बैक कैमरा का जितना भी ऑप्शन आ जाता है ये बैक कैमरा का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका कैमरा का कुछ फीचर्स और सेटिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।